कि मर गई है इंसानियत मगर इंसान जिंदा है, जिस्म को नोच खाने वाले शैतान जिंदा हैं, रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। 2017 की उस उन्नाव की घटना पर जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई, बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई, और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया, ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। बिल्किस बानो, गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया, उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने, कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है, ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, देखिए किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार। और मैं अब आपका ध्यान उत्तराखंड की उस अंकिता भंडारी पर ले जाना चाहूंगी, जहां इसी तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में 10,000 रुपए देने के का लालच देते हुए किसी वीआईपी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा, जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पोल खुल सकती है, तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा, वहां अज्ञात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां पर आज भी अगर उत्तराखंड सरकार से पूछे कि किसके कहने से बुलडोजर चला, तो आज भी वो किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आनन फानन में साक्ष्यों को छुपाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया और फिर पूरा उत्तराखंड, पूरा देश अंकिता के लिए लड़ा। तब जाकर वहां विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। आप बताइए इससे पहले क्या पुलकित आर्य को ये पकड़ रहे थे, क्या पुलकित आर्य का नाम था, कहीं आपको नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार उस समय भी पुलकित आर्य को, उस बलात्कारी को, उस हत्यारे को बचाने का काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नारायण चंदेल जी, नारायण चंदेल का पुत्र पलाश चंदेल, उसके ऊपर लड़की से, आदिवासी बेटी पर, ये आदिवासियों के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन जहां आदिवासी बेटियों को इनकी जरूरत पड़ती है वहां ये उनको, अपने नेताओं को, अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम करते हैं। यहां पर भी वो बेटी आज कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, उस लड़के ने, पलाश चंदेल ने फिर से उस लड़की को झांसा दिया, उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का प्रयास किया और उसके बाद वहां पर भी
कोई भाजपा नेता, एक भाजपा नेता निकल कर नहीं आया कि हम इस बेटी के साथ हैं, हम इस आदिवासी बेटी के साथ हैं और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। वहां पर भी भाजपा नेताओं के बयान बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस व्यक्ति का, उस बलात्कारी भाजपा नेता के पुत्र का बचाव किया। मेघालय में भाजपा नेता बेरनार्ड मार्क, आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनके किस तरीके के रैकेट पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। जब विपक्ष ने सवाल उठाए, जब उस मामले में ये बात मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के पुरजोर तरीके से उठाने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जब ये मामला उठाया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर देखिए जमानत पर छूट गए। और भाजपा क्या करती है, टिकट देती है, टिकट देती है ऐसे व्यक्ति को, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष का। और जब कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाए थे और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, उसके बाद उनका टिकट कटा। इसी तरीके से मेघालय में इनको, बेरनार्ड मार्क को, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने लड़ाया है। ये आप सबके सामने है कि ये बलात्कारियों को किस तरीके से बचाने और संरक्षण देने का काम करते हैं। ये कहते हैं बेटियों को बचाते हैं, बेटियों की सुरक्षा, लाल किले से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते हैं और देश की महिलाओं को कहा जाता है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और महिलाओं के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए कथनी और करनी के फर्क, ये साक्ष्यों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूं कि ये क्या करते हैं। मेघालय का मुद्दा आपके सामने है कि इन्होंने उस व्यक्ति को, वहां के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के सामने लड़ाया है और अब किस तरीके से सत्ता की मलाई चाटने के लिए उन्हीं के साथ दो सीट लेकर पहुंच गए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। देश की बेटियों का आज किस तरीके से उनके अंदर भय बेटियों के अंदर घुस गया है, डरती हैं बेटियां, और इस तरीके से बलात्कारियों को बचाकर ये डराते हैं उन बेटियों को कि अगर आप सामने आओगी, मुंह खोलोगी, आवाज उठाओगी, तो आपका भी वही होगा जो हाथरस में उस दलित बेटी का हुआ। गृह मंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी और बलात्कारी दूरबीन से देखने से भी नहीं मिलते, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आती हूं और आपको बताना चाहूंगी और यहां से कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी आइए, बेटियां आज डर रही हैं, देखिए घर से बाहर निकलने से बेटियां डरती हैं, कहीं सूटकेसों में लाशें पाई जाती हैं बच्चियों की, कहीं ट्रंक में, कहीं दिन दहाड़े कॉलेज जाती हुई लड़की को गोली से उड़ा दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनका सीना छनली कर दिया जाता है। हाथरस के इस केस में उस परिवार को सरकार ने उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये वादा किया था कि एक साल आपको एक महीने में नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी वो परिवार जो 40,000 रुपया महीना कमाता था, उनके पिता और भाई गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के इलाकों में नौकरी करते थे और 40,000 रुपये के करीब कमा लेते थे, लेकिन 2020 के बाद आज उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। वादा किया था कि नौकरी देंगे, लेकिन आज भी वो परिवार रोजगार के लिए जूझ रहा है। उन्हें लगता है उन्हें जान का खतरा है, और खुलकर जिस तरीके से कल उस परिवार ने बयान दिए, ये बताता है कि उन्हें डर है। वो कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है और उन्हें दिल्ली शिफ्ट करा दिया जाए। उन्हें आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आज विश्वास नहीं बचा है। आज वो इस विश्वास, आज वो डर रहे हैं कि अगर हम हाथरस में रहेंगे तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी बेटी के साथ हुआ, उस तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। उस घर में और भी दो बेटियां हैं, उनको उनकी पढ़ाई 2020 के बाद बंद कर दी गई है, उनका घर से बाहर जाना आज बंद है। इसी तरीके की और घटनाएं, मैंने आपसे कहा कि आज मैं यहां बैठकर भाजपा का वो संस्कारी मास्क जो आज ये देश को दिखाते हैं और बताते हैं, वो आज मैं आपको
यहाँ बताना चाहूंगी और इनका वो संस्कारी मास्क उतारना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ बैठे हैं, बताएंगे कि क्या एक बार भी कहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय की मुखिया का आपने कहीं बयान देखा? इन नेताओं के खिलाफ ये कहा उन्होंने कि मैं एक महिला होने के नाते इन बच्चियों के साथ हूं और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं और तुम्हारी अंतिम लड़ाई तक तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ऐसे मामलों में मंत्रालय की मुखिया के मुंह में दही जम जाती है, उन्हें कह दिया जाता है कि संसद में दहाड़िए, लेकिन जहां महिलाओं को आपकी जरूरत है वहां मत दहाड़िए, वहां उनके साथ मत खड़े हो जाइए, वहां वो भाजपा नेताओं को बचाने का काम करती हैं। एक भी सांसद, इतनी सारी महिलाएं जो आज भाजपा की सांसद बन के बैठी हैं, विधायक बन के बैठी हैं, और कहीं आप एक बयान मुझे बता दीजिए कि कहीं आपने देखा हो और वो कह रही हो इन सारे मसलों में भी कि हम देश की बेटियों के साथ हैं। देश की बेटियों को आज भाजपा से डर लगता है, उन्हें लगता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरे परिवार का वो हाल होगा जो उन्नाव की बेटी के परिवार का हाल हुआ। मैं लाल किले की प्राचीर से आप लंबी लंबी बातें कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन आप ऐसे मसलों पर, देश की बेटियों के इज्जत सम्मान की जहां बात आती है, आप चुप क्यों हो जाते हैं? आपके मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता? आप क्यों नहीं कहते कि कुलदीप सिंह सेंगर को पकड़ने में 2 साल क्यों लगे? उन्नाव की बेटी को क्यों नहीं इंसाफ मिला? हाथरस का परिवार आज भी क्यों जूझ रहा है? क्यों बिल्किस के साथ गुजरात में ऐसा हुआ और क्यों अंकिता को आज तक, अंकिता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला? छत्तीसगढ़ में उनके नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्यों किया? और इसी तरीके से मेघालय में टिकट देकर साबित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि वो बलात्कारियों के साथ है। उन्हें देश की बेटियों की, माँ की, बहनों की अस्मिता से, इज्जत से कोई लेना देना नहीं है।